22 मई की तारीख, एक ऐसी तारीख जो सिर्फ खून से लिखी हुई तारीख नहीं है, वह एक ऐसी तारीख है जिससे हमेशा यह याद आएगा कि जब हुक्मरान, सत्ता में बैठे लोग कत्लेआम को अंजाम देना चाहते हैं तो किस तरह से पूरा पुलिस प्रशासन, यहां उत्तर प्रदेश की पीएसी, सांप्रदायिक कत्लेआम को, नरसंहार को अंजाम देती है। आज हाशिमपुरा हुआ था 1987 में, 34 साल पहले। 31 साल की न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद इंसाफ मिला, लेकिन हमेशा 22 मई याद दिलाएगा, याद दिलाना चाहिए कि किस तरह से मुसलमानों को जब निशाने पर लिया जाता है तो सारे कानून दरकिनार कर दिए जाते हैं। किस तरह से आज ही की रात 1987 में एक ट्रक में पीएसी भरती है 50 मुसलमानों को, जिनमें अधिकांश नौजवान थे, और फिर उन्हें निपटाने पर उतारू होती है, भून देती है गोलियों से, लाशों को बहा देती है गंग नहर में, बाकी और जगहों पर। हाशिमपुरा में जो नरसंहार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसका सीधा रिश्ता है राम जन्मभूमि आंदोलन से। पूरे उत्तर भारत में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया। कुछ ही पहले राम जन्मभूमि में ताला खुलवाया गया और उसके बाद अलग ढंग का माहौल पूरे भारत में दिखाई दे रहा था। इसका असर दिखाई दिया मेरठ में अप्रैल में, वहां पर दंगे हुए। 19 मई को दोबारा दंगे होते हैं, 10 लोग मारे जाते हैं, सेना फ्लैग मार्च करती है, 20 मई को देखते ही गोली मारने का आदेश आता है, और इसके बाद पहले से सांप्रदायिक होने का ठप्पा जिस पुलिस फोर्स पर लगा था वह पुलिस फोर्स सक्रिय होती है, पीएसी, और अंजाम देती है हाशिमपुरा, मलियाना जैसे कांडों को। और आज जब हम इसको याद कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, तब हमारे सामने कम से कम एक राहत की बात है कि यहां न्याय एक मुकाम तक पहुंचा। 19 लोग दोषी थे जिसमें 3 लोग मारे गए, जब तक न्याय हुआ 16 लोगों को सजा हुई। यह सजा दिलाना बहुत मुश्किल था, इससे बहुत से सबक भी हमारे सामने आए। सजा दिलाने में जिन्होंने अहम भूमिका अदा की, ऐसी ही तेज तर्रार वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर से हमने बातचीत की। इसमें वृंदा ग्रोवर, हाशिमपुरा के लोग और बाकी और जो पूरे संगी साथी लोग थे, जो जुड़े हुए थे, उनका बहुत अहम योगदान है। आइए देखते हैं किस तरह से वृंदा ग्रोवर इस हाशिमपुरा को याद करती हैं और हाशिमपुरा पे जो जजमेंट आया इसके बारे में बात करती हैं। वृंदा, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हाशिमपुरा नरसंहार के बारे में, वहां पर जो कत्लेआम हुआ उसकी आपने बहुत ही साहसिक न्यायिक लड़ाई लड़ी। 31 साल बाद हासिल हुआ, दोषी चिन्हित हुए, लोगों को लगा, वो भी ऐसे समय जब पूरी तरह से लग रहा था कि इस मामले का कुछ नहीं हो सकता। लोग जो मारे गए थे उनके परिजन बड़े हो गए थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए थे। आप कैसे देखती हैं अपनी हाशिमपुरा की कानूनी लड़ाई? सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही, ये लड़ाई हाशिमपुरा मोहल्ले के लोगों की है। ये लड़ाई अगर 30-31 साल तक चली है तो उसका श्रेय हाशिमपुरा मोहल्ले के लोगों का है। हम लोगों ने उनका सिर्फ साथ दिया और अपना काम किया, और ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। वो कोई फल बेचता है तो कोई वो लूम चलाते हैं, बहुत कोई मेसन है, बहुत सी विडोज हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती हैं। तो मगर एक एक जिद थी पूरे मोहल्ले की, और उन्होंने ये जो लड़ाई लड़ी, ये पूरा सिस्टम, स्टेट लीगल सिस्टम ने उनको हताश करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। 31 साल की लड़ाई बड़े से बड़े लोग छोड़ देते हैं, मगर ये स्टेट और सिस्टम ने उम्मीद यही की थी कि ये लोग भूल जाएंगे,
छोड़ देंगे, गरीब हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये पूरा सिस्टम इस उम्मीद पे चलता है कि गरीब अपनी इंसाफ की लड़ाई से थक के हार मान जाएगा। इंसिडेंट होता है 22 मई 1987 को, चार्जशीट दाखिल होती है 1996 में। सीबीसीआईडी इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके 9 साल, उसके बावजूद जो सबसे अहम कागज था जिसमें लिखा हुआ था कौन कौन उस 41C बटालियन के लोग हैं, वो कागज को ऐसे छुपाया कि हाईकोर्ट तक कोर्ट के सामने नहीं आने दिया, ऐसी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद ये मुकदमा फिर भी शुरू नहीं होता है जब तक कि ये 2000 में ट्रांसफर नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली, और इसका एविडेंस का रिकॉर्डिंग 2005 में शुरू होता है। बड़ी बार बड़े बड़े लोग डिस्कस करते हैं डिलेड ट्रायल हो रहा है, कभी इंटरेस्टिंग बात है कि हाशिमपुरा का केस लोग नहीं जिक्र करते क्योंकि उसमें जस्टिस की उम्मीद एक मुसलमान मोहल्ले के गरीब लोगों को थी। 2005 में 30,000 में ये एक मुकदमे में एविडेंस की रिकॉर्डिंग शुरू होती है क्योंकि 5 लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं जिनको मरा हुआ सोचकर वहां छोड़ दिया गया था मगर वो बच गए। यानी 1987 में जो नरसंहार होता है, किलिंग होती है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है पीएसी और पुलिस के द्वारा, उसकी रिकॉर्डिंग 2005 में शुरू होती है। ये आपका इंडियन लीगल सिस्टम है जिसपे हिंदुस्तान का आवाम बहुत भरोसा करता है। क्यों करता है इसका जवाब तो किसी के पास है नहीं क्योंकि ये रीजन के बियॉन्ड है जी। उसके बाद वो गवाहियां होती हैं, अक्विटल हो जाता है ट्रायल कोर्ट में, 19 के 19 लोग बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल 19 पीएसी के लोग, उसमें से 3 केस के चलते इंक्लूडिंग सुरेंद्र पाल सिंह जो उसके बटालियन के मुख्य थे, एसपी थे, वो मर जाते हैं उसके चलते। 16 लोगों का क्विंटल हो जाता है क्योंकि अदालत कहती है भाई कौन वो लोग थे, हमको ये मालूम है कि वो पीएसी की बटालियन थी, हमें ये मालूम है कि इनकी हत्या पीएसी ने की है और हत्या करके उनको फेंक दिया है गंग नहर में, मगर वो कौन सी पीएसी की बटालियन थी। अब ये बिल्कुल सब जानते हैं कि पीएसी जब भी डिप्यूट होगी, कोई भी पुलिस कहीं भी डिप्यूट हो, उसमें कौन डिप्यूट होता है, कौन कहां जाता है, किसको आर्म्स दिए जाते हैं, कौन सा ट्रक उनको लेके जाता है, ये सब लॉग बुक में, व्हीकल लॉग बुक में डॉक्यूमेंट करते हैं। हर थाने में ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब ये बात तो उनको मालूम है, जो बच गया वो तो पहचानता नहीं है, जानता नहीं है कौन लोग हैं, और वो यही सोच रहे थे कि चलो ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे पीएससी है मगर पहचानेंगे कैसे। वो एक कागज में लिखा हुआ होता रहता है कि कौन की एंट्री होती है बाकायदा, वो एंट्री को कोर्ट में नहीं पेश किया गया। जब हाई कोर्ट में हम लोग अपील में गए, मेरे साथ वकील रिबेका जॉन थी इसमें जो अपील में विक्टिम्स की वकील रही और मैं एनएचआरसी की वकील थी। एनएचआरसी की तरफ से हमने जब एप्लीकेशन लगाई कि इसमें कुछ एविडेंस को दबाया गया और वो एविडेंस में हमने इस एंट्री का जिक्र किया जो जीडी उनके जनरल डायरी, वो कागज को दोबारा हाईकोर्ट के बार 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 सख्त आदेश देने के बाद वो जीडी एंट्री कागज एंट्री मिल गई और वो कोर्ट में उनको मजबूरन पेश करनी पड़ी। तो जिस साल उन्होंने पेश किया कुछ अंदाजा? 2018 का ये है, तो ये अबाउट 2017 या अर्ली 2018 में, अक्टूबर 2018 में, 2017 में होगा जी। और ये तब जब आप, ये सीबीसीआईडी है, इसमें एक्चुअली रियल पॉइंट ये सिर्फ पीएससी की बात नहीं, आपके देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की क्या इंडिपेंडेंस है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एविडेंस को सप्रेस कर रही है या सामने ला रही है। आपको अगर आप पर अटैक स्टेट फोर्सेस से होता है तो आपके इन्वेस्टिगेशन का विश्वास किस पे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल निशा बन चुका है इस देश में आज। और उस एविडेंस की बिना पे दोबारा उनका एविडेंस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया गया और उसके भरोसे उनको फिर कन्विक्ट किया गया 2018 के अक्टूबर में, और अब अपील सुप्रीम कोर्ट में
उन सबकी डाली हुई है और वहां पर अभी हमारी बहस करनी बाकी है। हाशिमपुरा का जो की जो पूरी लड़ाई चली, इससे क्या सबक मिलता है और आज की तारीख में किस तरह से आप हाशिमपुरा के इस फैसले को देखती हैं? क्या ये बाकी और मामलों में कुछ उम्मीद की किरण जगाता है? हाशिमपुरा को हमें समझना चाहिए ये इंडिपेंडेंट इंडिया का उस समय तक का सबसे बड़ा कस्टोडियल कम्युनल किलिंग था। तो ये बात कि आपकी फोर्सेस में एक इंस्टीट्यूशनल बायस है रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ, इस बात को वो अंडरलाइन करता है। और हम अगर इस मुद्दे को मानेंगे नहीं तो हम उसके जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। तो एक तो हमें एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल स्टेट को इस बात को समझना होगा, और ये एक आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम काफी समय से हमारे साथ है। जहां तक लोगों का सवाल है, एविडेंस जो है वो हमारा जो सिस्टम है उसमें कौन कब बाहर जाता है, कौन क्या करता है, किसके पास किस टाइम पे आप बाहर जाएंगे थाने में, ये सब का एक रिकॉर्ड रहता है। मगर ये रिकॉर्ड स्टेट की कस्टडी में है। हमारे देश में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आज है कि नहीं, इसके ऊपर हमें बहुत सीरियसली सोचना होगा। पुलिस रिफॉर्म नाम की एक बात चलती रहती है, मेरा पुलिस रिफॉर्म से ज्यादा मुझे वो शब्दावली में प्रॉब्लम होती है। मेरे हिसाब से सही कैंपेन होना चाहिए पुलिस अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि एक हाशिमपुरा का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो निकली, मैंने और हाशिमपुरा के लोगों ने, हम सब ने मिलके 100 से ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन डाली थी बहुत टाइम पहले, कोई 2005-06 के आसपास। हमने पूछा कि क्या आपने कोई इंटरनल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करी? आखिर 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल, 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, वो भी 302 मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी की। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिले। इन सब के ऊपर थोड़े देर तक इंक्वायरी चली और साल डेढ़ साल के अंदर अंदर सबको वापस रीइंस्टेट किया गया। जब ये केस चल रहा था उनके खिलाफ मर्डर का केस, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों का इन्होंने मर्डर किया है, उस समय ये सब अक्यूज्ड एक्टिव सर्विस में थे हिंदुस्तान में, और अलग अलग जगह इनकी पोस्टिंग्स होती थी, वो आर्म्ड पुलिस का काम कर रहे थे और साथ साथ उनके ऊपर मर्डर विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चल रहा था। क्योंकि सिस्टम जो इंटरनल मैकेनिज्म है, बड़ी बार आप आला पुलिस अफसर कहेंगे हमारा इंटरनल सिस्टम ऑफ इंक्वायरी है, आप मोरल खराब कर रहे हैं पुलिस वालों का, पुलिस फोर्स कैसे प्रोटेक्ट करेगी आपको, देश की प्रोटेक्शन चाहिए, फलान ढिमकान। मेरे पास कागजी सबूत है उस RTI एप्लीकेशन के कि ये इंटरनल मामला बिल्कुल एक फ्रॉड है, सबको आपने रीइंस्टेट कर दिया, और आप इनकी, मेरे पास इनके एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट्स भी हैं सबके, उनमें आप 1986-87 का देख लीजिए, 88 का देख लीजिए, जिक्र नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि उसमें लिखा है कुश्ती में मेडल जीत के आए हैं, बहुत अनुशासित सिपाही हैं। तो जो इंटरनल सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको अकाउंटेबिलिटी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दो सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। फिर आता है लीगल सिस्टम, यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का सवाल पैदा होता है और एविडेंस का सवाल पैदा होता है। हमारे को स्ट्रक्चरली एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी जो इस सब नेटवर्क से बाहर होगी, जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है उसके भी बाहर होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे सिस्टम्स है नहीं दुनिया में, बहुत उदाहरण है, मगर हम बनाते नहीं है क्योंकि स्टेट को इसमें इंटरेस्ट नहीं। अगर हाईकोर्ट का जजमेंट इन बातों को बिल्कुल साफ तरीके से इंस्टीट्यूशनल बायस की बात करता है, कस्टोडियल किलिंग्स की बात करता है, और बहुत सालों से एक लॉ कमीशन रिपोर्ट कह रही है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ को बदलना चाहिए, अगर कस्टडी में डेथ हुई है तो बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस वाले पे है, मुझ पे नहीं होना चाहिए,
आप साबित कीजिए मैं आपकी कस्टडी में कैसे मरा। और कस्टडी केवल जेल नहीं होती है, हाशिमपुरा एक कस्टोडियल डेथ थी क्योंकि वो मुझे ट्रक में डाल के ले गए थे। तीसरी बात यहाँ पर जो जजमेंट में भी आती है कि ये जो सारा एविडेंस है ये इमीडिएटली एक रूल होना चाहिए कि ये सारा का सारा एविडेंस, इससे पहले कि वो उससे छेड़छाड़ करे, ये एविडेंस को एक हिफाजत में ले लेना चाहिए इससे पहले कि डिसाइड हो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा नहीं करेगा। इमीडिएटली ये सब कुछ हिफाजत में लेके कहीं पर रखना चाहिए और जो लोग उसमें जिनके ऊपर अंदेशा भी हो रहा है उनको इमीडिएटली वहां से हटाना चाहिए। ये नहीं होता है। ये सब लर्निंग्स हैं हमारी, मगर विक्टिम्स जो होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। कॉम्पनसेशन के लिए भी लड़ना पड़ता है। इसमें कॉम्पनसेशन बहुत साल बाद जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई थी तब कॉम्पनसेशन मिला था पहली बार, उससे पहले 20,000 मिले जिससे किसी का घर का चूल्हा भी नहीं ज्यादा दिन चलता। और कई परिवार ऐसे थे जिसमें बेटा हस्बैंड दोनों मार दिए गए थे क्योंकि ये जब स्टेट टेररिज्म इस तरह का होता है तो वो एक इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग चलती है, जो लपेट में आ गया आ गया। तो इसमें बहुत सी लर्निंग्स हैं हमारे लिए और स्टेट के लिए, और क्लियरली ये दिखाता है कि स्टेट का जो प्रेजेंट ढांचा है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और कंप्लिसिट हो जाता है अक्यूज्ड के साथ जो मेन इन यूनिफॉर्म है। लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि जो पीड़ित है और खासतौर से यहाँ पे जो हाशिमपुरा का परिवार है, जो पूरा का पूरा इलाका है जिन्होंने अपने लोगों को खोया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनके पास इस आशा के अलावा कुछ नहीं था कि उन्हें अदालत से मदद मिलेगी। और मुझे लगता है अदालतों को भी इस बात का भान होना चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पर लोग उनसे अभी भी आशा करते हैं, और शायद ये बहुत जरूरी है हमारे और आपके और इस लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए। शुक्रिया वृंदा न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए। थैंक यू।